लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी बुक्कल नवाब की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्व विभाग को बुक्कल नवाब के खिलाफ केस दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। मामला रिवर फ्रंट योजना से जुड़ा हुआ है और आरोप है कि बुक्कल नवाब ने गोमती नदी में डूबी 54 बीघा जमीन को खुद का बताकर 8 करोड़ का मुआवजा लिया था। फिलहाल सरकार ने राजस्व विभाग को धोखाधड़ी की धाराओं के तहत केस दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। और सीधे रुख करते हैं विवेक तिवारी का। लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, योगी सरकार के आने के बाद इस योजना की जांच शुरू हुई और अब समाजवादी सरकार के नेता और समाजवादी सरकार इसमें फंसती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा मामला गोमती रिवर फ्रंट से जुड़ा हुआ है और जब ये प्रोजेक्ट बनना शुरू हुआ तो गोमती नदी के आसपास की जो जमीन थी, जो गोमती के डूब क्षेत्र में आने वाली जमीन थी, उस जमीन को बुक्कल नवाब ने यह कहते हुए अपना बताया कि ये नवाबों के वंशजों की जमीन है और वो नवाब के वंशज है, इसलिए इसका जो अधिग्रहण हो रहा है उसका मुआवजा उनको दिया जाए। और ये कहते हैं उन्होंने कुछ दस्तावेज भी प्रस्तुत किए थे और उसके आधार पर तकरीबन 8 करोड़ रुपए का मुआवजा ले लिया। ये जब पूरा मामला हाईकोर्ट में भी गया तो हाईकोर्ट ने हाई पावर कमेटी बनाकर मामले की जांच के आदेश दिए थे। जांच हुई तो ये पता लगा कि जो दस्तावेज इन्होंने लगाए थे वो ठीक नहीं थे, लेकिन मुकदमा इसमें कोई दर्ज नहीं हुआ। मुकदमा राजस्व विभाग ने शासन से अनुमति मांगी थी कि क्या इनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए, अनुमति दी जाए। वो अनुमति अब दे दी है शासन ने, न्याय विभाग ने वो केस दर्ज करके जांच की अनुमति दे दी है। तो अब राजस्व विभाग आगे कार्रवाई करेगा इसमें और उनके खिलाफ FIR दर्ज करके मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। ये बड़ी अजीब बात है कि गोमती नदी के अधिग्रहण, गोमती नदी के आसपास की जमीनों का जो अधिग्रहण हुआ उस जमीन को अपना बताकर 8 करोड़ का मुआवजा ले लिया गया। हाईकोर्ट में भी इस पर काफी लतार लगाई थी एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों को, खासतौर से LDO को जिसने मुआवजा दिया है, लेकिन उसमें बहुत कुछ हुआ नहीं। अब लग रहा है कि मामले की जांच होगी और जो सही कार्रवाई होनी चाहिए वो हो पाएगी। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्व विभाग अब इस मामले में कार्रवाई करेगा।